गाइस मच्छी में पानी पानी में मच्छी है। इलाका शांत है, ये देखो मच्छी है। तो गाइस यहाँ पे लोग नहा रहे हैं और हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, फोटोशूट चालू है इस हसीन वादियों में। ये हसीन वादियों का ये कपल देख रहे हो, ये जो बैठे हैं लोग, ये लोग सूरत से आए हैं। ये सूरत से कपल आए हैं? हाँ, ये सूरत से आए हैं। मतलब सूरत से आए हैं एंजॉय करने? दोनों अच्छा सूरत से आए हैं। क्या कह रहे हैं इधर? इधर बैठना, वादियों में हम भी बैठ के एंजॉय करें। अरे इधर है, चलो सपोर्ट दे रहे, इतना है इधर लेवल। हाँ, डिस्कशन चालू है चश्मे के बारे में। वीर संभालना, वीर कहाँ जा, वीर मालूम नहीं पड़ता है। समीर ध्यान देना, बारिश आएगा कि बारिश आएगा। पूनम हाँ छाता ले लो, रेनकोट, ये बारिश खूब जोर से आएगी। वीर उसमें से मेरा रेनकोट दो ना। हाँ? कुछ बोलना चाहती हो? बहुत मजा आ रहा है। आप बोलिए भैया। बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है। कैसा वादियों, कैसी लग रही है आप लोग को? मौसम तो बहुत सुहाना है, बारिश मौसम में बारिश का मजा लेना चाहिए। आपको कुछ बोलना है? मैं फिलहाल मोबाइल सेफ्टी में लगा हूँ क्योंकि बारिश आने वाली बहुत तेज। तो गाइस बारिश बहुत तेज आने वाली है, उसके पहले बच्चे पानी में एंजॉय करते हुए मौसम का मजा लेते हुए सब क्या कर रहा है? अंडर द वाटर। अंडर द वाटर समीर उतना गहरा है क्या? जा तू पीछे बैठा है वो। अच्छा बैठा हुआ है, मैं बोली इतना गहरा है। चलिए ना आंटी फोटो, अरे वो नहीं मेरा, कुछ खुद का फोटो खींचिए। तो मैं किसका खींच रही हूँ? समीर ज्यादा एडवांस मत बनो बेटा, लोग का भी मूड बन गया। ते लोग भी जा रहे हैं नहाने पानी में एंजॉय करने, ते लोग का भी मूड बन गया, लोग भी पानी में एंजॉय कर रहे हैं। तो समीर कहाँ गया? अच्छा समीर वहाँ गया उन लोग के ग्रुप में। इनका मन ही नहीं भर रहा है पानी में जाने के बाद, एकदम पगला आ गए, पानी के दीवाना है। ये फ्री स्विमिंग पूल है कि फ्री वाटर किंगडम जैसा एंजॉय कर रहे हैं। वीर गाना गा रहा है कि हो गया, ये कौन सा स्टाइल है हीरो? पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऊपर से ही तैर रहे हो। इसको क्या बोला चलेगा, कितना कह रहा है? तैरने आता नहीं है, तैर पड़ी उसे, उनका सॉक्स चला गया था, सॉक्स लेने अपना गए। क्या हुआ? ए प्रथम रुको, प्रथम स्टार्ट करने दो पहले। इधर का बाहर नहीं चला जाता,
गुज्जा गुज्जा ये कुदरत सब पैसे देके जाते हैं स्विमिंग पूल में, पर ये कुदरती स्विमिंग पूल बना हुआ है इसलिए सब एंजॉय कर। वहाँ पे भी अच्छा पानी है गहरा, वहाँ पे गहरा पानी है, खाली है, अच्छा है पानी वहाँ पे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, बढ़ते होते। अब पूनम यहाँ पे छतरी में बैठ के एंजॉय करते हुए अपने छाता को भी एंजॉय करा रही है। बरोबर छाता भी बहुत खुश हो रहा होगा कि मुझे फिलहाल यूज किया जा रहा है, जॉब कर रही है। क्या ये तो पहाड़ का पानी है, उसमें कितने सारे जड़ी बूटी मिल के आते होंगे, नेचुरल है ये तो, बात ही अलग है। गाइस देखो चप्पल जा रहा है ब्लैक कलर का, चप्पल कब आ गया कहे कर दे, मिल जाएगा चप्पल, वो आ नहीं रहा है ना बहुत धीरे धीरे। बारिश में स्पीकर नहीं लाए, नहीं तो हम लोग स्पीकर, कितना हरियाली कितने अच्छे लग रहे हैं, सब थक गए इंजॉय करके। हाँ तो बारिश हुआ होता ना और अच्छे से पर डालना कुछ चल नहीं नहीं हाँ क्योंकि मौसम फिलहाल बहुत अच्छा हो गया ना पुणे, मौसम बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हुआ बहुत। यदि तो गाइस बारिश भरपूर आ रही है आप देख सकते हैं, हम लोग बारिश में भीगते भीगते जा रहे हैं, कदम कदम बढ़ाएगा। हम लोग गाना भी गाएंगे पर गाना थोड़ा थोड़ा गाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा नहीं गाएंगे। छाता से ये प्रॉब्लम नहीं है कि ऊपर का शरीर थोड़ा बच जाता है बाल और नीचे का नहीं भीग ही जाता है। अच्छा ये लोग ने कपड़े नहीं चेंज किए, नहीं तो फिर वो भीग जाता तो मतलब नहीं रह जाता। हाँ अच्छा हाँ वाह कितने सुंदर लग रहे तो गाइस आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर हिरन है और कितने अच्छे लग रहे हिरन अपना घास खाते हुए, कितने सही तुम बोल रहे हो, कितना हिरन कितने सुंदर लग रहे हैं ना। हाँ, वो कितने अच्छे से घास बैकग्राउंड में है, बैकग्राउंड में हिरन है हमारे। हाँ, कितने अच्छे से घास चल रहे हैं वो लोग वहाँ से। हाँ, कि घास चढ़ते हुए चल इसी पे मुझे मतलब लगा लोकल लोग हैं घर है उनका। चलो चलते अभी वो कहाँ समीर वो कहाँ से उसको टर्न लेना पड़ता है अपने को। हाँ? कि वो कहाँ से टर्न लेना पड़ता है जो पापा बोल रहे पानी है वो सब है। हाँ, वो गया गया गया। हाँ? पापा बक अच्छा वो टर्न जहाँ पे बीच में नदी रहती है वो। हाँ हाँ वो साइड है, अभी तो रेलवे आ गया, रेलवे आ गया बस्ती। अच्छे से क्यूट क्यूट बकरी जा रही है अब रहिवासी आ गया इस साइड सब। इन्हें कुदी मारते हैं। हाँ कुदी मारते हैं ये लोग। अच्छा छलदवारी है ना, उधर तो पूरा खुला ही था कि इधर तो पूरा खुला ही था बेटा। नहीं नहीं उसकी दूसरी बात है। क्या हुआ हाँ कचड़ा आ गया, आ जाओ। ओ हम लोग भी आ रहे हैं साथ में, उतना दूर आगे आगे चले जा रहे हो, हम लोग भी आ रहे हैं, रुको हम लोग भी आ रहे हैं। आपको क्या हम लोग को जंगल में छोड़ने आए थे क्या आप लोग हैं? ये तो बोल रहा है 5 किलोमीटर बाकी है। हाँ जी कितना किलोमीटर है? 700 मीटर। 700 मीटर है? 500 मीटर। 500 अच्छा वीर आओ गाड़ी आ रही देख के ना, समीर साइड हट जा गाड़ी हट जा रही है। वीर पीछे पीछे क्या करो बोलो, क्या बोलना चाहते हो? आई एम लुकिंग नाइस अ व्हाट
पानी में भीग के नहा लिए हो तो क्या लुकिंग नाइस वाट। अरे यार वो क्या हुआ? अच्छा गाइस इन लोग को हट मिल गया है, अब वहाँ पे हम लोग बैठेंगे, बैठ के खाना खाएंगे, खाना खा के थोड़ा एंजॉय करेंगे। एंजॉय तो कर ही रहे हैं लेकिन थोड़ा और खा लेंगे तो पेट भरा रहेगा तो सब अच्छा लगेगा, तो इसलिए अब खाएंगे खा के थोड़ा। तो गाइस हम लोग खाना खा रहे हैं। पूरी सब्जी कैसा है जी? अच्छा नंबर पर। क्या हुआ? चाय है ना, चाय पियो। एवन है पूरी सब्जी मेरी फैन। यहाँ पे चाय लिए हैं, अभी चाय पियेंगे। चाइनीज बन गए। ये हम लोग जब गर्मी में आए थे ना तो हम लोग यहाँ इस ये वाले रोड पे घूमे थे, ये वाले रोड पे नहीं आए थे। ये देखते पूरी नदी भर गई है। फाइनली हम लोग गेट से बाहर आ गए हैं। अब देखिए आ गए क्या? हाँ अब यहाँ से निकल जाएंगे शायद। हम लोग बाहर आ गए हैं। बाहर आने के बाद लोग लगता है कपड़ा चेंज करेंगे क्या, लग तो रहा है। जाते वक्त मेट्रो ठीक आ रहे हैं, मेट्रो ठीक पड़ रहा है गाइस, क्योंकि रिक्शे वाले तो बहुत ज़्यादा ही भाड़ा मांगते हैं, मेट्रो सही है, अच्छा है, ईजी है, आसान। चलो चलते हैं। गाइस गाड़ी में बैठ चुके हैं, गाड़ी बैठ के अब जा रहे हैं अपने घर पे। थक गए हैं सब, थक के एकदम चूर हो गए हैं। चलो चलते हैं अब। तो गाइस अभी सब सो चुके हैं तो मैं और सिम्बा अभी जागे थे, तो मैंने अभी सिम्बा को सुला दिया है क्योंकि उसका भी पेट दर्द कर रहा था, उसने कुछ गलत खा लिया था घर बैठे बैठे। तो अभी उसको सुलाने के बाद तो मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि बहुत थक चुका हूँ। तो मैं अभी सब अपना लैपटॉप वैपटॉप रख दिया हूँ। तो अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं आपको ऐसी अमेजिंग न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।